जिलाधिकारी मथुरा की अध्यक्षता में छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। छाता तहसील परिसर स्थित सभागार हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस संपूर्ण समाधान दिवस में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे समेत सभी विभागों के सक्षम अधिकारी मौजूद रहे। वही संपूर्ण समाधान दिवस 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें 2 शिकायत तो कहा मौके पर निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके निस्तारण के लिए शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। महिंद्रा अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मिली हुई शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण कर रिपोर्ट प्रशासन को प्रेषित की जाए। इस संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह, तहसीलदार छाता मनोज कुमार वासनिक, क्षेत्र अधिकार छाता गौरव त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। के जो हर तहसीलों में पहले और तीसरे शनिवार समाधान दिवस का आयोजन होता है, जिस प्रत्येक तहसील में मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। तो दूसरे के हिसाब से आज हम लोग छाता तहसील में तहसील दिवस में प्रतिभाग करना, और हम लोग यहाँ पर आज शिकायतों को सुन रहे हैं। अगर हम प्रातः काल से बात करें तो लगभग अभी तक 60 के आसपास शिकायतें आ चुकी हैं, और अभी थोड़ा समय बचा है तो मैं भी कुछ शिकायतें वहाँ दिया जा रहा हूँ। जो भी शिकायतें आई हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया, जिससे उसका समय बचता के साथ गुणवत्ता पर निदान करें। उसके साथ ही साथ एक चीज आज हम लोगों ने और शुरू की है कि जो भी हमारे अधिकारी तमाम हो, तमाम विभाग ऐसे हैं जिनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा नहीं आती या लगभग नहीं के बराबर होती, उनको आज फील्ड विजिट पर जो हर ब्लॉकों में हम लोगों ने अभी 3-3 गाँव का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा है, जो आज शाम तक रिपोर्ट भेजेंगे। जो समाधान दिवस के साथ साथ फील्ड औचक निरीक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा छाता तहसील में जितने हमारे पेट्रोल पंप, उन पेट्रोल पंपों पर पब्लिक के लिए शौचालय बने हुए हैं। कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं जो शौचालय साफ सुथरी स्थिति में नहीं होते हैं या आम पब्लिक को उसमें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। निश्चित रूप से शौचालय एक ऐसी मानवीय आवश्यकता है कि जो सभी के लिए इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। तो आज मैंने इस तहसील में लगभग 34-35 के आसपास पेट्रोल पंप है जिसमें शौचालय बने हुए हैं, उसकी भी जांच आज हम लोग अधिकारियों के माध्यम से भेज करा रहे हैं कि वहाँ आवश्यक साफ सफाई का प्रबंध है या नहीं है। साथ ही साथ उसके ताले खुले हुए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो वहाँ का शौचालय उसके ताले बंद है, लोगों को इस्तेमाल नहीं करने को जा रहा है, तो इन बिंदुओं पर भी हम लोग जाँच करा रहे हैं। तो जो शिकायतकर्ता यहाँ आ रहे हैं उनकी शिकायतें सुनी जा रही हैं, जो फील्ड में कार्य हुआ है उसका सत्यापन कराया जा रहा है, और पेट्रोल पंपों की शौचालय के पार्ट में जांच कराई जा रही है। तो तीनों काम आज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिन एक्टिविटी चलती रहेगी, उसके सकारात्मक परिणाम अवैध कब्जों को लेकर देखा जा रहा है कि पेट्रोल अवैध नालियों पर सब्जी शिकायतें आ रही है। देखिए, जैसा ग्रामीण परिवेश आप यहाँ देखते हैं, हर जगह का होता है कि कई बार इस तरह की शिकायतें वास्तव में विपक्षी लोगों ने कब्जे कर लिए होते हैं, कुछ कई बार आपसी प्रतिनिधिता के चलते भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। ये राजस्व विभाग का दायित्व है कि जो भी इस तरह की शिकायतें हैं उसकी जांच कराई जाए। अगर इसमें आवश्यकता होती है तो हम संबंधित थाने का भी सहयोग लेते हैं, थाना दिवस के माध्यम से उसको हल करते हैं। तो जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका हम निदान कराएंगे, और ये अनवरत प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब जुताई का समय होता है तो कई बार जानबूझकर कई बार अनजाने अपने जो सीमाएं हैं उसका लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। फिर इस तरह के प्रकरणों का हमारा ध्यान है, उसका हम लोग काम करेंगे। मथुरा के बीच में रेगुलर वाहनों का इस तरह इस्तेमाल रोक कर रहता है, सरकारी गाड़ियां नहीं पाती, वहाँ लोगों को सुविधा नहीं देता। देखिए, डग्गे मार वाहनों की जहाँ तक की बात है, लगातार अभियान चल रहा है। अभी पिछले 3 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, लगातार अभी हम लोग वृंदावन में अभियान चला रहे हैं, मथुरा में चला रहे हैं, बाकी जगहों पर भी इसमें हम लोग अभियान चलाएंगे। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो हमारी रोडवेज की बसें हैं या जो अनुमति प्राप्त बसें हैं वो चलो। डग्गा मार बसों में लोगों से भी अपील करेंगे कि उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि बाई चांस अगर कोई दुर्घटना होती है तो कोई क्लेम आदि मिलने में बेहद दिक्कतें आती हैं। तो लोगों को भी इस बारे में हम लोग अवेयर करेंगे, और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि जो अधिकृत बसें हैं, जो परिवहन साधन है, उसी का इस्तेमाल करें, जिससे अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा। अगर धान कटाई का समय चल रहा है, पराली के मामले में प्रशासन के साथ देखिए, हम सभी लोग जिस सिस्टम में रहते हैं, इन्वायरमेंट एक महत्वपूर्ण इश्यू होता है। ये माननीय NGT, माननीय सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार, ये जो निर्देश आ रहे हैं
आम जनता के हित के लिए आते हैं, तो क्या आप लोग पाते हैं कि दीपावली के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम से बदतर स्थिति में पहुंच जाता है? कई बार दिल्ली और उसके NCR के आसपास के क्षेत्रों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इस शहर इसीलिए बने हैं कि बेहतर लाइवलीहुड वहां पर हो, बेहतर जीवन लोग जिए, और इस तरह की स्थितियों में एक आम आदमी का न केवल स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि उसकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जो भी पराली जलाने का कार्य करेंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमों में दिया गया है। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि देखिए पराली न जलाएं। वैसे भी धरती माता हमें फसल देती है, हमारा जीवन यापन करती है, वैसे में उसमें आग लगाना एक तरह से उसके साथ भी छेड़छाड़ करना होता है और इन्वायरमेंट के साथ भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम लोगों के यही अपील है कि पराली न जलाएं। बावजूद इसके अगर कोई जलाता है तो हम लोग कठोरतम कार्रवाई करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। देखिए जहाँ तक खनन का प्रश्न है, खनन में स्टैंडर्ड SOP मंत्रालय द्वारा जारी भी की गई है, जिसमें जो खनन विभाग है उनके द्वारा तथा COSDM आपस में कोऑर्डिनेट करके उस चीज को दिखवाएंगे कहाँ वैध है कहाँ अवैध है, जहाँ अवैध है वहाँ पे उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, और लगातार इस मामले में प्रभावी कार्रवाई चल भी रही है। कई सारे अभियोग पंजीकृत किए गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और आगे भी जहाँ से इस तरह की सूचना मिलेगी खनन विभाग विभाग से जाँच करके उनसे जो भी सहयोग है वो देते हैं और उसमें कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। थानों को भी निर्देशित किया गया है कि वो सुनिश्चित कराएं कि कहीं भी अवैध खनन न होने पाए, और जहाँ भी होता है संबंधित अधिकारी को सूचित करके अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। सर, ये जो आतंकवादी का कहा दिवाली आ रही है, आतंकवादी के लिए कहा का स्थान जिले में जैसे बनाए हैं, बहुत सारी दुकानों पे आतंकवादी बेची जाती है, सर कार्रवाई इससे घटना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आतिशबाजी का सवाल है, नियत स्थान पर नियमित समय के लिए लाइसेंस जारी होता है, उसके अतिरिक्त जहाँ भी भंडारण या बिक्री की कार्रवाई की जाती है उसकी सूचना प्राप्त होती है, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके संगत कार्रवाई की जाती है। इसमें क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जो पटाखे हैं उनका भंडारण और उनकी बिक्री के लाइसेंस और परमिट जो है उनको मिलते हैं, वो निर्धारित समय और स्थान के लिए होते हैं, उसका जहाँ भी वायोलेशन होता है उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है संगत धाराओं के अंतर्गत।